यूपी के मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को जान से मारने की कोशिश की। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम जुबैर है, जिस पर उसके सौतेले बेटे अरसलान ने गोली चलाई, जिसके बाद घायल अवस्था में जुबैर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल आरोपी अरसलान अपनी मां के दूसरे निकाह से नाराज था। उसे अपनी मां का दूसरा निकाह मंजूर नहीं था, इसलिए अरसलान ने अपनी मां के दूसरे शौहर पर गोली चला दी। जुबैर जब रात का नमाज अता करने जा रहा था, तभी अरसलान ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। बता दें कि ये पूरी घटना मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के A1 कॉलोनी की है। घटना को लेकर जुबैर के सगे बेटे अब्दुल्ला ने बताया कि उसके पिता ने इरशद जहां नाम की महिला से दूसरी शादी की थी, जिसे इरशद जहां का बेटा काफी नाराज था। आरोपी अरसलान ने पहले भी अपने सौतेले पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। आसपास के लोगों ने उसे समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन अरसलान की नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गयी और फिर उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसके घर से निकल रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, वो ताड़ में बैठा हुआ था। उनने पहले भी फोन पर, कौन था वो? इशरत का बेटा, सगा बेटा उसका। उसने फोन पे भी पहले बार कई बार पहले धमकी दी है गोली मारने की। आज वो जैसे वाली साहब मेरे वहाँ से निकले, उसके घर से। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दिलशाद उर्फ दिल्लू, वैसे अरसलान भी कहते हैं। अच्छा। जैसे वो वहाँ से निकले तो उनने जब एकदम उनके कमर से सटा करके तमंचे से गोली मारी। वहीं इस घटना को लेकर पुलिस जुबैर के सगे बेटे अब्दुल्ला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी अरसलान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में कल शाम को 6 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने एक अपने सौतेले पिता को के ऊपर फायर किया। घटना की जानकारी करने पर ये चीज़ प्रकाश में आई कि जुबैर नाम का व्यक्ति, जिसको इंजरी हुई है, उसने दूसरी शादी कर रखी है और दूसरी जो पत्नी है उनका पुत्र नाराज होकर इनसे फायरिंग की घटना किया। इस संबंध में जुबैर के सगे पुत्र अब्दुल्ला के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। अब देखना ये होगा कि कब तक पुलिस आरोपी अरसलान तक पहुँच पाती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज़ पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।